डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह ग्वालियर में नजर आए, जहां उन्होंने अपने खास अंदाज में ट्रैफिक संभाला है। इस दौरान जब उन्होंने डांसिंग मूव से ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया तो वाहनों के पहिए थम गए और लोग उनका वीडियो बनाने लगे। दरअसल डांसिंग कॉप रंजीत सिंह स्थानीय जवानों को एक दिन की ट्रैफिक ट्रेनिंग देने ग्वालियर पहुंचे थे। यहां उन्होंने वीआईपी रोड पर तानसेन होटल किराए पर आधे घंटे तक अपने अनोखे अंदाज में ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। उनके डांस मूव्स को देखकर लोग हैरान रह गए। बता दें कि वे ट्रैफिक के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तेजी से एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस साल जो है ग्वालियर जिले में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 1539 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं। इनमें से 222 लोगों की मौत हुई जबकि 1385 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार किए गए और ये डाटाबेस के आधार पर ये आंकड़े तैयार किए गए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने अपने अनोखे अंदाज में लोगों को ट्रैफिक के लिए अवेयर किया। देखिए, हमारा सामूहिक प्रयास है, मध्य प्रदेश पुलिस का सामूहिक प्रयास है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, 11,500 के आसपास लोग हमारे मध्य प्रदेश में रोड के काल में समा जाते हैं। तो हमारा एक मोटिव ये है कि लोगों के अंदर, मध्य प्रदेश पुलिस का मोटिव ये है कि लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसको लाया जाए, सेंस जगाया जाए, ताकि जो दुर्घटनाएँ हैं उनको कम किया जाए। और यहाँ की गवर्नमेंट है, जो भी सरकारी तगमा है, वो चाहता है कि मेरे जो टैलेंट है उसको विभिन्न शहरों में ले जाया जाए, लोगों को इंस्पायर किया जाए। हमारे जो ट्रैफिक सुविधा है श्रीमती सोनम पाराचार्य जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं मिस्टर उपाध्याय, उनको अचानक राह चलते हार्ट अटैक हो गया था और वो जमीन पे ही गिर पड़े। तो श्रीमती सोनम पाराचार्य जी ने तुरंत अपना तत्परता दिखाते हुए उनको CPR एडमिनिस्टर की गई, जिसके चलते उनकी जान बच गई। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती सोनम पाराचार्य जी को ग्वालियर पुलिस ने नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान की गई।